दोस्तों, आपके कई बार मैसेजेस मुझे मिले जो लोग RRC ग्रुप डी का स्टेटस चेक नहीं कर पाए थे, जिनका मेल नहीं आया था। तो क्या उनका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या एक्सेप्ट हुआ है, कैसे पता लगाया जाए? देखिए देखिए, इसका जो चीज़ें हैं वो अब आपके हाथ से बाहर चला गया, लेकिन जो कुछ चीज़ें हैं वो आप कर सकते हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि रिजेक्ट हुआ है, वहीं सब हम कुछ मुद्दे पे बात करेंगे कि कैसे आप पता कर सकते हैं। इससे पहले वीडियो शुरू हो, आपको भी पता है कि टेक्स्ट बुक आपके लिए लाया है ईयरली मॉक टेस्ट पास, जो कि आपको 299 में मिलेगा। और यहाँ पे तमाम एग्ज़ाम के आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं 2629 में, यानी कि अगर आप एक कूपन कोड यूज करते हैं ईआर मनीष, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक चेक कर लीजिएगा। बात कर रहे थे कि जो आपका ये फॉर्म एक्सेप्ट है या नहीं है। सबसे पहले देखिएगा कि आपको अगर डेफिनेटली मेल आया होगा, डेफिनेटली मेल आया होगा कब? जब आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा। अगर एक्सेप्ट हो गया होगा तो हो सकता है आपके जो मेल है वो ना भी आए, लेकिन अगर आपके फॉर्म रिजेक्ट होते हैं तो ये 100% है कि आपको इन्फॉर्म किया जाएगा, क्योंकि ऐसे वो रिजेक्ट नहीं करते हैं। अच्छा, सेकंड पॉइंट यहाँ पे ये आ जाती है कि हमारा जो मेल है वो साइबर कैफे का दिया है, या ऐसा मेल है जिसका हमने आईडी पासवर्ड खो दिया है। चलिए ठीक है, ये भी मैं मानता हूँ। तो अब आप कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आपको एक ही ऑप्शन है। क्या कर सकते हैं? सबसे बड़ा ऑप्शन है कि आप RTI लगाइए, 10 रुपया लगेगा, आपको पता चल जाएगा। बेस्ट एग्जाम्पल यही है कि आपको क्या करना है, कुछ नहीं, किधर मेल है, किधर आपका मोबाइल नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपके पास ना मोबाइल नंबर है ना आईडी है, पहला तो मैंने बता दिया कि अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो गया होगा तो मेल डेफिनेटली आया होगा। अगर जिनको मेल नहीं आया है वो आप मान के चलो कि आपका फॉर्म एक्सेप्ट है, अगर फिर भी विश्वास नहीं होता है तो आपको एक ही मैं उपाय बता रहा हूँ, थोड़ा सा कोपअप कीजिएगा, बारिश का सीज़न है तो थोड़ा बारिश का नॉइजेज आपके पास जा रही होगी, तो मैं जो बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिएगा कि 10 रुपये का जो भी है ऑनलाइन जाइएगा, ऑनलाइन ही ट्रांजेक्शन हो जाएगा, कोई न वकील न कोई लफड़ा है, 5 मिनट का काम है। आप वीडियो देख लीजिएगा कोई भी कि RTI कैसे फाइल करते हैं, आप अपना एप्लीकेशन नंबर डालेंगे, कौन से बोर्ड में भरे हैं, और पूछेंगे कि क्या मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, इससे आपको डेफिनेटली पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप NTPC की तैयारी कर रहे हैं तो आप उसके बारे में, हालांकि उसके बारे में तो आपको पता चल गया होगा, लेकिन ज़्यादातर आपके जो क्वेरी है वो आपके ग्रुप डी के रिगार्डिंग है। तो ग्रुप डी जो भी एजेंसी सॉरी जो भी एजेंसी नहीं, जो भी बोर्ड करा रही है, वहाँ पे आप एप्लीकेशन RTI डालेंगे, जिससे आपको क्लियरली पता चल जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये छोटा सा इन्फॉर्मेटिव वीडियो, क्योंकि मैंने देखा है एक मुझे मेरे पास अभी वो प्रूफ के तौर पर नहीं है, एक भाई इसी तरीके से बार बार मुझसे पूछते रहते हैं कैसे सर आप जो ये वाला फॉर्म है वो एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, कैसे पता लगाएंगे। तो मैंने कहा कि आप RTI डालो, और उनका RTI का रिप्लाई आया है था कि उनका फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है, तो मुझे लगा कि इस पर वीडियो बना देनी चाहिए, जिससे कि और भी जो लोग हैं वो अवेयर हो सके, बार बार उनके डाउट है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब तक हमारे मन में ये चीज़ें शांत नहीं होती है कि हमारा फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, तब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता है। आपको 10 से 15 दिन लगेगा, रिप्लाई पक्का आएगा, और आएगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मेरा रिप्लाई आ गया है, या वो स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करेंगे, जो कि मैंने आपको लिंक दिया है फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम या आपके जितने भी सोशल मीडिया साइट है, या मैंने मेल भी दिया है, कमेंट बॉक्स में एक बार ज़रूर चेक कर लेंगे, वहाँ पे मुझे मेल कर देंगे कि हाँ सर प्रूफ के तौर पे कि मेरा रिप्लाई आ गया है, कि मेरा फॉर्म एक्सेप्ट हो गया है। आशा करते हैं जिनका भी फॉर्म इस तरीके से आप नहीं देख पाए होंगे कि एक्सेप्ट हुआ है कि नहीं हुआ है, वो ज़रूर RTI करेंगे। एक चीज़ और इसमें मैं बताना चाहूँगा, इसका मुझे जहाँ तक लग रही है कि दोबारा स्टेटस जारी किया जा सकता है, दोबारा स्टेटस जारी किया जा सकता है, तो आप थोड़ा सा निश्चिंत रहिए। जिनका कि फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, हो सकता है कि उनका कोई गलती ना हो, फिर भी फॉर्म रिजेक्ट कर दिया गया हो, तो उनको दोबारा मतलब कि फॉर्म एक्सेप्ट का मुझे लग रहा है कि नोटिस आएगा, दोबारा जो लिंक है वो प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि उसमें एडिटिंग का लिंक नहीं है कि आप जोन चेंज कर सकते हो, या आप मतलब कि तरह तरह के कि 10th नहीं 12th आप डाल सकते हो, ITI है तो ITI डाल सकते हो, ये सब चीज़ें नहीं दी जाएगी, बस आपको सुधारने का हो सकता है मौका दिया जाए। अगर नहीं दिया जाता तो एक चीज़ तो है कि वो खुद सुधार के आपको चीज़ें देंगे, यानी कि कहने का मतलब कि जो NTPC में जिनका एक्सेप्ट हो गया है, RRC ग्रुप डी में रिजेक्ट हो गया है, तो हो सकता है कि वो, हो सकता है क्या, लगभग उम्मीद है कि
होगा ही कि आपका दोबारा स्टेटस जारी हो, क्योंकि ये वाला जो केस है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़ा हुआ है। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपको रिमाइंड कर दें कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक।